भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। सबसे पहले मलखम सलामी। ये देखिए केवल एक वस्त्र में आपके सामने ये ब्रह्मचारी, और इनके लिए कोई नई बात नहीं है। रोज सुबह 4 बजे उठकर ये आधे घंटे में सोता के निवृत्त होकर उसके बाद में ऐसी एक ही वस्त्र में केवल व्यायाम करते हैं और खुले आसमान के नीचे पसीने में तरबतर होते हैं। ये सलामी दी। अब मलखम पर पहला ब्रह्मचारी, यस, जोरदार ताली आपकी बजती रहे। ये देखिए छोटा सा बालक, इस वजह से ये बच्चे अपने कंबल में जा चुके होंगे। ये ब्रह्मचारी प्रिंस फरीदाबाद से। ये देखिए ठंड का आएंगे खतर अब से, आएंगे खतर अब से। जिन्हें ये लिखा होगा कि गुरुकुल चरखी दादरी का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है, गुरुकुल चरखी दादरी का ब्रह्मचारी हलचल मचा रहा है। ये ब्रह्मचारी हैप्पी नेशनल लेवल का प्लेयर आपके सामने अपना प्रदर्शन कर रहा है। इनको कोई रोग कैसे आ सकता है। सुबह 2 घंटे और शाम को भी 2 घंटे ये व्यायाम ऐसे ही करते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आज पूरी शोभा यात्रा में भी इन्होंने मलखम किया है और अब आपके सामने प्रदर्शन करते हैं। एनर्जी लेवल बिल्कुल भी लो नहीं है। आपके तालियों की आवाज बंद हो गई, आपकी भी ठंड दूर हो जाएगी, तालियां आप बजाते रहे। ये ब्रह्मचारी सोमवीर, ये भी नेशनल लेवल प्लेयर हैं, जो गुजरात में गेम्स हुए थे नेशनल गेम्स से, उनके ये प्लेयर हैं। ये रोहित जी शास्त्री खुद भी नेशनल प्लेयर रहे और बच्चों को भी सिखाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें इन नन्हे मुन्ने बालकों का, जिससे इनको ठंड ना लगे। यस, अब आप देखेंगे इस छोटी सी कटोरी पर आसनों का प्रदर्शन। सबसे पहले केवल माथे से ही पूरे बॉडी के बैलेंस को ये बच्चा ठहराएगा। आप ध्यान से देखें, केवल माथे से। जोरदार तालियां बजाइए इस नन्हे से बालक के लिए। ये बगली के साथ में शुभारंभ किया, और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, तालियां बजाने से 100+ बीमारियां दूर होती हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट पिंच होते हैं, उससे हमारी बीमारियां शरीर की भाग जाती हैं। आप तालियां बजाते रहें। जिला प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, नहीं तो बहुत ही भारी भारी फीसों से ये प्रदर्शन आपको देखने को मिलता है। ये देखिए बैलेंस, केवल एक नाभि पर जोरदार तालियां। ये छोटा सा बालक इस मलखम पर 1 मिनट काटने का मतलब कम से कम 200 दंड लगाने के बराबर है। किसी भी शरीर पर आपको फैट नहीं दिखाई देगा, सबके सिक्स एब दिखाई देंगे केवल इस मलखम के कारण। और ये महाराष्ट्र की विदा है। आचार्य प्रवीण जी योगी भी अपने टाइम के नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और अब इन बालकों का निर्माण कर रहे हैं। आप देख लो, किसी को 6 महीने हुए हैं, किसी को 4 महीने, किसी को 2 महीने और किसी को 1 ही महीना हुआ है। ये आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। जब इनको 2 साल हो जाएंगे, आप देख सकते हैं आपके चरखी दादरी का नाम किस शिखर पर होगा। अभी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता को अंबाला में हुई थी, उसमें भी इन बच्चों ने चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया था। ये ब्रह्मचारी प्रिंस फरीदाबाद से। ये एक छोटी सी कटोरी पर आसन और झाप आपने देखी।
पर टीवी आप देख सकते हैं। जोरदार तालियां बजाइए इस नन्हे से बालक के लिए। अब ब्रह्मचारी सोमवीर जो कि नेशनल लेवल का प्लेयर है, आप सभी एक बार तालियों से आशीर्वाद इस बच्चे को दें। राजस्थान से ये बालक है, राजस्थान से नाम आपके तरखी दादरी का रोशन कर रहा है। ये देखिए, एक केवल पैर पर बैलेंस, ये पूरी बॉडी का बैलेंस, एक कंधे पर, ये साइड बैलेंस। जोरदार तालियां हाथ उठाकर आप बजाएं, जिससे आपकी भी ठंड गायब हो और इन बच्चों का भी उत्साह बढ़े। और इन जो भी सज्जन इन बच्चों के लिए घी और फल की व्यवस्था करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि गुरुकुल निशुल्क शिक्षा का एक केंद्र है। जो भी सज्जन दान देना चाहे इन बालकों के लिए वो दे सकते हैं। ये सुई धागा फ्लेक्सिबिलिटी, जोरदार तालियां। अब आप देखेंगे पैर का फराना, केवल पंजे पर बल, जोरदार तालियां। देखिए, आपको ये प्रदर्शन दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। ये जिला प्रशासन क्या, मैं ऋण मानता हूं आप सभी लोगों के लिए जो ऐसा प्रदर्शन आपके लिए बनाया। घर में एक शादी सफल नहीं हो पाती बिना कलेश के, और ये दो दिन का कार्यक्रम जिला प्रशासन ने आपके मध्य में के स्वामी श्रद्धानंद जी के गुरुकुल में बम है, तो अंग्रेज अफसरों ने विजिट की और जब स्वामी श्रद्धानंद जी से पूछा कि वो आप बम बनाते हैं, आपकी गिरफ्तारी है, तो स्वामी जी से हम दबे हुए थे।